आपने इंटरनेट पर प्लेन क्रैश के कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन प्लेन के दो भागों में बट जाने की घटना शायद ही देखी होगी। प्लेन का दो भागों में बटना कोई आम बात नहीं है। सेंट्रल अमेरिका के देश कोस्टा रिका से एक ऐसी ही दुर्घटना सामने आई, जहां इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त प्लेन दो हिस्सों में बट गया। इस घटना का वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कोस्टा रिका के जुआन सेंटा मरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह खौफनाक हादसा हुआ, जिसने सबके होश उड़ा दिए। DHL प्लेन एक्सीडेंट कंपनी के बोइंग 757-200 कार्गो एयरक्राफ्ट को किसी वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस दौरान उसके साथ ये गंभीर हादसा हुआ। वीडियो में देखा जा रहा है कि प्लेन हवाई पट्टी पर जैसे ही उतरता है और कुछ दूर जाता है, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद वे अपनी दिशा बदल लेता है और उसका पिछला हिस्सा बड़े धमाके के साथ टूटकर अलग हो जाता है। DHL कंपनी की तरफ से बताया गया है कि प्लेन को चला रहे दोनों क्रू मेंबर्स को इस हादसे में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि एक क्रू मेंबर को मेडिकल चेकअप के लिए जरूर भेजा गया है। क्या है पूरा वीडियो आप ही देखिए। Madre Santa Mae. Uy, Mae. Care picha, Mae. Dios santo, Mae. Ay, Mae. इस तरह से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।